दोस्तों, फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एसकेवी महाराष्ट्र पे। और आज मैं आया हूँ तिनेवाड़ी के त्रिलोकेश्वर मंदिर, जो राजगुरुनगर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे। वैसे तो ये मेरे मामा का गांव है, तो यहाँ मेरा आना जाना रहता है, लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे भी एक वीडियो बनाया जाए। तो चलो मैं आज आपको त्रिलोकेश्वर मंदिर दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं अभी एक पहाड़ पे हूँ, जहाँ से आपको नॉर्थ की साइड लगभग 2,500 एकड़ का एक जंगल दिखाई देगा, और वेस्ट की साइड आपको भीमाशंकर सेंचुरी देखने को मिलेगी। अभी नहीं देखने को मिलेगी, जब आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाओगे तो वो भीमाशंकर सेंचुरी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे ईस्ट की साइड आपको पुणे नाशिक हाईवे दिखाई देगा, जो NH-60 है। और यहाँ साउथ की साइड आपको त्रिलोकेश्वर मंदिर, और पीछे 3 किलोमीटर आगे आपको राजगुरुनगर सिटी दिखाई देगी। तो चलो पहले दर्शन करते हैं मंदिर में जाके, और बाद में कुछ बातें भी करते हैं। तो चलो। हो गए, अब हम कुछ बातें करते हैं। तो यह आप देख सकते हैं, यह कुछ इक्विपमेंट लगाए हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, और कुछ पेड़ पौधे भी लगाए, और वहाँ पीछे कुछ ओपन जिम टाइप भी किया है। तो यह ऐसा पूरा गार्डन टाइप माहौल बनाया है। यह सुबह शाम बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं आए क्योंकि बारिश चल रही है। बस मैं आया हूँ एक वीडियो बनाने के लिए। पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 8-9 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब पूरा बंजर था। मुझे अभी भी याद है, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो हमारे टीचर हमें पहाड़ के नीचे से या ऊपर पेड़ पौधा भेजने के लिए भेजते थे। तो वो पेड़ पौधे हमने यहाँ ऊपर ला के रखे थे, वो अभी भी मुझे याद है। बाद में पूरे गाँव वालों ने मिल के यहाँ पेड़ पौधे लगा दिए, और उनकी मेहनत काम आई, और लगभग 2-3 साल बाद यह बहुत अच्छा गार्डन टाइप हो गया है। और हाल ही में यह मंदिर भी बन गए। तो ये एक ऐसी जगह बन गई कि कोई भी एज का आदमी यहाँ आ सकता है, अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। और पहाड़ होने की वजह से यह हवा भी बहुत अच्छी बहती, तो नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो बस मंदिर के बारे में ये इतना ही इतिहास था। ये तो हो गए मंदिर के बारे में बातें। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसके लिए ये गांव पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ।
आप सोच रहे होंगे ये तो एक मामूली सा ट्रैक है, लेकिन इसको मराठी में बैलगाड़ा घाट बोलते हैं। जैसे तमिलनाडु में जल्लीकट्टू बहुत फेमस है, वैसे ही महाराष्ट्र में बैलगाड़ा शर्यत बहुत फेमस है। या कोई भी फेस्टिवल या स्पेशल ओकेजन रहता है तो या बुल रेस का आयोजन किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो खाली है, लेकिन जब भी यह बुल रेस होता है तो यह कमाल देखने लायक होता है। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो ये होती है बैलगाड़ा शर्यत। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ। ये बैलगाड़ा घाट, ये त्रिलोकेश्वर का मंदिर और नीचे हमारा स्कूल है। और मैं आपको यहाँ का सनसेट भी दिखा देता, लेकिन अभी बारिश चल रही है इसलिए वो नहीं दिखा सकता, वो कभी अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो मिलते अगली वीडियो में, बाय। We'll be right back.